झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गढ़वा रहे हैं। परसों यानी 10 फरवरी को जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर पर अवस्थित है डुमरो गांव, वहीं पर कार्यक्रम है। तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है, लगातार अधिकारी द्वारा तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर एवं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जो तैयारियां हो रही है आयोजन को लेकर के उसका निरीक्षण किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है अधिकारियों को, कहीं से भी कार्यक्रम में कोई चूक न हो जाए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आगाज से और अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचे। गढ़वा जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, प्राणपण से जुटा हुआ है प्रशासन, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सबकी तन्मयता देखते बन रही है। कार्यक्रम की तैयारी जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि दोस्त युद्ध स्तर पर जारी है। अभी फिलहाल कुछ माह के दरमियान मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ था जो सफल हुआ था। कहने का मतलब कि गढ़वा जिला प्रशासन छोटे से और बड़े कार्यक्रम को निर्विघ्न समापन करा लेने में पूरी तरह से तत्पर है। यह कार्यक्रम भी निश्चित रूप से सफल होगा। दोनों अधिकारी यानी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के और खासकर क्या कार्यक्रम है, आइए हम दोनों की बातों को सुनाते हैं जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में उनसे बात की। 10 को परसों ही इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, और पर्पस इस प्रमंडल स्तरीय, वो आप देख रहे होंगे कि 9 तारीख को कल वो जा रहे हैं कोल्हान प्रमंडल के जितने भी अबू आवास के जो बेनिफिशियरीज हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, उनको वो देंगे, स्वीकृति पत्र देंगे, पेमेंट करेंगे। तो उसी सिलसिले में 10 तारीख को जो हम लोगों ने डुमरो नारायणपुर में प्रोग्राम रखा है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है आई थिंक, पलामू गढ़वा एंड लातेहार के कुल 30,000 लाभुक को आने की संभावना है, आना है उनको, और उसी की व्यवस्था में हम लोग पूरी मशीनरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लगी हुई, हम लोग ने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है और सारा फोर्स डिप्लॉयमेंट, मैजिस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट और ट्रैफिक अरेंजमेंट, और इतने सारे लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, तो उनके भी आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था है वो हम लोग कर पाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग गढ़वा जिला अच्छे तरीके से हम लोग ये भी इवेंट अच्छा से कर पाएंगे। और जहाँ तक सिलेक्शन का बात है, अबू आवास सिलेक्शन आप जान रहे हैं हमारे यहाँ 10,000 टारगेट है, और हमें थोड़ा कम मिला है, हम लोगों को पूरा जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, पूरी गहनता से कर रहे हैं। कल भी लगभग 11-12 बजे रात तक हमारी पूरी मशीनरी यहाँ बैठ कर काम की है। आज के दिन में वो लोग फील्ड हैं, फील्ड में आप जान रहे हैं जितने भी लाभुक हैं, सब लाभुक के घर में जाकर जियो टैग कराना है। जियो टैग कराने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हर लाभुक का हमको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट एंड नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड हमको चाहिए। इट्स ए बिग एक्सरसाइज, देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि इस 10,000 हम बिल्कुल सही लाभुक को हम लोग पेमेंट करा पाएँ और उनको स्वीकृति पत्र दे पाएँ। आगामी 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ गढ़वा आ रहे हैं और उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज हम यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए आए हैं, और जो नेसेसरी डायरेक्शन और गाइडलाइंस जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे पंडाल वाले, उनको दिया गया है ताकि हम लोग उस हिसाब से व्यवस्थित रूप से फोर्स लगा करके और इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करवा सकें।